हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हो अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पुरुलिया ओल्ड सॉन्ग में सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखिए बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं इस तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो फोटो आज मैं यूज करने वाला हूँ ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये देखो, सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद देखो, ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो दोस्तों, इस सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख सकते हो, दो ही बीट देखने को मिलेगा और कहीं पर भी बीट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सबसे पहले ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और एक फोटो को ऐड कर लेना जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट पर टच करना होगा और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद देखो, एकदम लास्ट बिट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, फिर से और एक फोटो को ऐड करना होगा, यही फोटो को दोबारा। तो उसके लिए फिर से प्लस ऑप्शन पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और यही फोटो को दोबारा ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ये जो फोटो है, ये फोटो को रोटेट करना होगा। तो रोटेट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म को टच करना, रोटेट वाला ऑप्शन में आ जाना और इसको 45 डिग्री रोटेट कर लेना। उसके बाद जूम ऑप्शन में आ जाना और इस तरह करके इस फोटो को छोटा कर लेना, देखो इस तरह करके। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, सॉरी दोस्तों बैक नहीं, ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और ऐसे ऊपर में ये फोटो लेयर को रखना होगा कुछ इस तरह, देखो। और ऊपर में इस तरह सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना और ये जो बॉर्डर एंड जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और ये जो स्ट्रोक है इसको ऑन कर देना। तो ये जो कलर है, ये कलर को व्हाइट कर देना और इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद देखो, यहाँ पर जो नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और शेडो को ऑन कर देना। शेडो ऑन करने के बाद ये जो साइज है इसको 20 रखना होगा और 20 रखने के बाद ये जो एक्स वाई है 3:3 रहेगा, इसको 0:0 कर देना। और 0:0 करने के बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बिट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो, ये जो फोटो है, ये फोटो कुछ इस तरह एडिट हो गया। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, फिर से ये फोटो लेयर को टच करना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से फिर से डुप्लीकेट लेयर कर लेना। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद ऊपर में जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, रोटेट ऑप्शन में आ जाना, मतलब मूव एंड ट्रांसफर में। और रोटेट ऑप्शन में आने के बाद इसको 0 डिग्री रोटेट कर लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना। तो दोस्तों, देख सकते हो और कुछ भी नहीं कर रहा है ये फोटो लेयर को। तो ये दो फोटो लेयर को एक ग्रुप बनाना होगा, तो ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा दो फोटो लेयर को। उसके बाद देखो, ऊपर में जो यहाँ पर फर्स्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पर, उस ऑप्शन को टच करना है। तो देख सकते हो, एक ग्रुप बन गया। तो दोस्तों, अब क्या करना है, ये ग्रुप को डुप्लीकेट करना होगा। तो ये ग्रुप लेयर को टच करना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इधर से डुप्लीकेट लेयर कर लेना। और डुप्लीकेट करने के बाद ये जो फर्स्ट में जो ग्रुप लेयर है, ग्रुप लेयर को टच करना और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और नीचे यहाँ पर सेट करना होगा, देखो, मतलब रखना होगा यहाँ पर कुछ इस तरह। उसके बाद फिर से, सॉरी दोस्तों, एक बार बैक हो जाना और ये जो ग्रुप, जो एडिट ग्रुप है यहाँ पर टच करना होगा। और देखो, नीचे जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना, मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और रोटेट ऑप्शन में आने के बाद देखो, ये जो प्लस 45 डिग्री रोटेट है इसको -45 डिग्री रोटेट कर लेना। उसके बाद ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो देख सकते हो, कुछ इस तरह हमारा जो फोटो है वो एडिट हो गया। तो दोस्तों, सबसे नीचे देखो, ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, एड इफेक्ट पर आके देखो, ये जो गॉसिंग ब्लूर जो इफेक्ट है यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर में। तो ये इफेक्ट को टच करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर टच कर देना। उसके बाद देखो, इसका जो साइज है वो 0.400 कर देना, देखो कुछ इस तरह। उसके बाद
बैक हो जाना, और बैक हो जाने के बाद देखो ये जो ग्रुप में जो फोटो है ये फोटो में अब इफेक्ट देना होगा, तो इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना और इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट में आ जाना। और सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट में जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो ये जो ग्रुप फर्स्ट में जो ग्रुप लेयर है ये ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना और देखो यहाँ पर दो फोटो देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में देखो जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर में ये इफेक्ट को देना होगा, और नीचे जो फोटो लेयर है इसमें कोई भी इफेक्ट देना नहीं होगा। तो फर्स्ट में जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो ये जो फोटो है ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग गया। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये ग्रुप से बाहर हो जाना और देखो नीचे जो और एक ग्रुप है यहाँ पर भी एक इफेक्ट देना होगा, तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और देखो यहाँ पर जो दूसरा जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। उसके बाद देखो नीचे जो ग्रुप लेयर है नीचे ग्रुप लेयर को टच करना होगा, एडिट ग्रुप में आ जाना और सेम प्रोसेस फर्स्ट में जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर में ये इफेक्ट को देना होगा। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस तरह ऐड हो चुका है देखो। तो दोस्तों अब क्या करना है, देखो मिडिल में एक पीएनजी फोटो को ऐड करना होगा। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना है, मिडिल ऑप्शन में आ जाना और ये वाला पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। उसके बाद देखो मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, जूम ऑप्शन में आके इस तरह करके जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो को जूम कर लेना अपने हिसाब से, मतलब बड़ा कर लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बिट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो कुछ इस तरह ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये जो स्टेटस है ये बनाना कंप्लीट हो चुका है और अभी वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।